हमारे युवा के जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद राठी जी, साथ ही साथ मंच में विराजमान समस्त नेलो के नेतागण, आज शाम यहां उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों और सभी हम उम्र साथियों, सबसे पहले यहां पहुंचने पर आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इस प्रकार इस मान और सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत किया है, उसके लिए आपका धन्यवादी भी हूं और आपका आभारी भी। साथ ही साथ जी, आज हम आपके बीच एक बड़े विशेष कारण से आए हैं। हालांकि आना तो चौधरी अभी सिंह जी को स्वयं था, और आज कोर्ट में उनकी तारीख होने की वजह से तो आज आपके बीच नहीं आ सके, लेकिन उनकी तरफ से मैं संदेश लेके आया हूँ। जो बातें उनको आपके बीच रखनी थी उनकी तरफ से वो बातें लेके आया हूँ। आज साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर नई सरकार को बने हुए लगभग 3 या 4 महीने हो गए, और आज मैं प्रदेश के अंदर कहीं भी जाता हूँ तो कहीं पर भी मेरे को कोई दूसरी पार्टी का कोई साथी मिल जाए, कोई हमारा पुराना साथी मिल जाए, तो मैं उनसे पूछ लिया करता हूँ कि भाई कैसा चल रही है सारी सरकार। तो आज के दिन जो साथी मेरे को मिले एक ही चीज कह दीजिए, हमने तो गलती बहुत बड़ी कर दी। आज कहीं जाता हूँ कोई पुराना हमारे लोकदल का साथी मिलता है, मैं उससे पूछता हूँ कि अरे तो सरकार में भागीदारी है कि मैं बंट रहा है नहीं बंट रहा, तो कहते हैं ना जी गलती कर दी। अड़े बैठे थे तो कि मैं कोई धरना धुरना देके काम तो करा लेते थे, इट तो डीसी का जाओ फाइन फेंक के मारे और न्यू क्या है कि जाओ ऊपर से फोन करा जब जाके तेरा कुछ काम बने। आज पूरे प्रदेश के अंदर, हालांकि ये तो नई सरकार है, जहां के लोगों के अंदर नई सरकार को लेकर जोश उत्साह होता है, आज वही पूरे प्रदेश के अंदर इस नई सरकार को लेके जड़े जड़े के अंदर आक्रोश है। वादे कई किए गए थे, पूरा आज तक एक भी नहीं किया गया। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2009 में भी हमारे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार की स्थिति बनी थी, तब इनेलो की 32 सीटें आई थी और तब कांग्रेस की 40 सीटें आई थी। तो एक पत्रकार ने चौधरी ओम प्रकाश सुदाला जी से पूछा कि जी अपनी बार तो कांग्रेस की 40 सीटें आई है, ये ज्यादा हावी नहीं हो गए? तो चौधरी ओम प्रकाश सुदाला जी ने उनको जवाब दिया कि आप पर कांग्रेस का दोनों का वहम है, 40 सीट लड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस के साथ है, 40 सीट लड़ा इसका मतलब ये है कि 25 सीटें इस सरकार के खिलाफ गई है। और आज भी अगर ये सरकार आज कहीं ना कहीं सोचती है कि गठजोड़ करके कोई गठबंधन करके ये सरकार चलेगी तो इस सरकार का वहम है, अगर 40 सीटें सरकार को मिली थी तो 50 सीटें इस सरकार के खिलाफ गई। और आज पूरे प्रदेश ने एक मैंडेट दिया है, पूरे प्रदेश की तरफ से एक संदेश दिया था कि भी जो भी इस भाजपा की सरकार को हराएगा हम उसका साथ देंगे। हालांकि बहुत लोग आए आपके बीच आए, उन्होंने भाजपा सरकार को गालियां भी दी, परंतु स्वार्थ के चक्कर में उन्हीं की झोली में जाके बैठ गए। तो साथियों, मैं तो आपसे एक चीज कहूंगा कि आने वाले समय में हरियाणा की जो परिस्थिति है, हरियाणा की जो राजनीतिक समीकरण है, ये आने वाले समय में बदलने जा रहे हैं। आप 100% मान के चलो जिस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से आज से ही लोगों का इस सरकार के खिलाफ एक आवाज उठ रही है, ये सरकार ज्यादा नहीं लंबी चलेगी और ना ही कांग्रेस पार्टी को ज्यादा लंबी चलेगी। जिस प्रकार से उपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी सरकार ने केस करे हैं, बहुत जल्द वो भी कहीं ना कहीं उनको जेल का मुंह देखना पड़ेगा। तो अब तो ये समय है कि हम अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करें, किसी के मन में कोई भी बात हो, कोई गिला शिकवा हो, उसको दूर करने का काम करें। कई बार यूं हो जाता है कि पुराना साथी हमारा यूं सोचे कि ना यार कैसे हम वापस जाएंगे, तो उनका हमें खुले दिल से स्वागत करना है, दोनों हाथ खोल के उनको गले लगा कर उनका स्वागत करना है। हमें अपने संगठन को और मजबूत करना है, अपने साथ और साथी जोड़ने हैं।
पर ये तभी हो पाएगा जब आप मजबूती दिखाएंगे। चौधरी अभी सिंह चौटाला तो मजबूत है, ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज के विधानसभा में वो अकेले खड़े हो, पर फिर भी जब कोई उनके पास जाता है, उनसे कोई मिलता है और अपनी जेब से कोई काट के उनको पर्ची पकड़ाता है तो उनका हाथ पकड़ के उस पर्ची को पकड़ते हैं। और ये तो आपने भी मेरा है जिसकी पर्ची चौधरी अभी सिंह से पकड़ ली, उसका काम समझ लो हो गया। आज इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी, इतना कुछ उनके खिलाफ होने के बाद भी, वो इंसान आज इतना मजबूत खड़ा है कि जिसको एक बार कह दे हाँ भाई मैं तेरे साथ हूं, मरते दम तक उस आदमी का साथ देते हैं। इस इंसान को थोड़ी सी और मजबूती हमें देने की जरूरत है। ये हमें कहां से कहां तक ले जाएंगे, इस पार्टी को और आगे कितना मजबूत कर देंगे, आज आप सभी को पता है। लेकिन वो मजबूती तभी आएगी जब आप अपने साथ और साथी जोड़ेंगे। जब जेलों की मीटिंग रखी गई, जब अब की बार ये दोनों का फैसला करा गया, तो समय चौधरी अभी सिंह जी और चौधरी रफी सिंह जी दोनों इकट्ठे बैठे थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा था, तो दोनों ने एक विचार किया कि दोबारा से एक बार सभी जेलों के अंदर जाके नए मेंबर्स के फॉर्म बांटेंगे, पार्टी के अंदर सभी साथियों को, कोई पुराना मेंबर भी हो वो भी इस फॉर्म को दोबारा भरने का काम करेगा, दोबारा पार्टी के अंदर हम नए मेंबर लाने का काम करेंगे। भले ही आप आज 100 मेंबर जुड़ो, ये जरूरी नहीं है कि मेंबर कितने जुड़ते हैं, ये जरूरी है कि वो जो 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 इंसान पार्टी के साथ जुड़ता है, जो मेंबर पार्टी के साथ जुड़ता है, वो कितनी मजबूती से काम करता है। हमें आज संख्या की जरूरत नहीं है, हमें मजबूती की जरूरत है। और मजबूती का आपको उदाहरण देता हूं, जब पूरे हरियाणा में विपरीत हवा चल रही थी तब एलाहाबाद हल्के में आप सभी ने देखा होगा नरेंद्र मोदी खुद उस हल्के में रैली करने गया नहीं गया। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री एक एमएलए के चुनाव में शहरी रैली के लिए गांव की रैली करने गया, वहां जाकर भी उसको हार कर देखना पड़ा क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता वहां पर इतनी मजबूती से बैठा। आपको मैं यमुनानगर की बात बताऊं तो वहां भी मात्र 1400 वोटों का फर्क रह गया। आपको मैं शिक्षा की बात बताऊं तो वहां पर भी मात्र 500 वोटों का फर्क रह गया। वो कारण ये है कि इन सभी जगहों में हमारी पार्टी का जो वर्कर है वो पूरी तरह से मजबूती से खड़ा था। और जब हम मजबूती से खड़े होते हैं तो चाहे कितनी बड़ी आंधी आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, ये इंडियन नेशनल लोकदल तो जो वो वृक्ष है जिसकी जड़ों की सिंचाई जननायक चौधरी देवीलाल जी ने करी थी, पेड़ कभी शायद झुक सकता है पर ये पेड़ कभी टूट नहीं सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। इस चुनाव के बाद भी जब पहले सेशन गया था तो पूरे हरियाणा में किसानों की आवाज उठाने वाले, गरीब मजदूर की आवाज उठाने वाले केवल एक और एकमात्र चौधरी अभी सिंह चौटाला थे। और पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर उनसे ज्यादा कोई साफ स्पष्ट और सच्चा नेता नहीं है। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम मजबूती देने का काम करें ताकि जब उनके हाथ मजबूत होंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ मजबूत होंगे और इस पार्टी के अंदर एक नई जान देने का काम करेंगे, इस पार्टी को एक नए रूप से मजबूती देने का काम करेंगे। साथ ही साथ ही कुछ ही दिन पुरानी एक बात है, ये भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक साथी मेरे को मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी का, तो बड़े लोग से उसने बोला कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां रैली करी है हमारे तक हारे नहीं है। मैंने उसको बताया कि आपसे पहले ऐसा हुआ है, कांग्रेस वालों की भी होया करता था कि जहां जहां इंदिरा गांधी गई है वहां से कभी कांग्रेस नहीं हारी। इंदिरा गांधी को सिरसा आना पड़ा था जननायक चौधरी देवीलाल के खिलाफ रैली करने के लिए और सिरसा में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। मैं उसको याद दिलाया कि आज से 5 साल पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दोनों स्वयं खुद जींद में गए थे रैली करने के लिए, जींद में लोकदल ने उनको हार का मुंह दिखाने का काम किया। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री स्वयं आए एलाहाबाद के मलिका गांव में,
और बेटा ठोक के कह के कहेंगे भाई यहां से तो मेरी चीज पक्की है, वहां से उनको हर बार देखना पड़े। तो ये तो आपकी मजबूती है या आपका साथ है जिस पार्टी को इतना मजबूत बनाता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जब पक्की बार हम मेंबरशिप के फॉर्म लेके आएंगे तो आप यूं मत सोचना कि यार हमें ये फॉर्म भरने हैं, आप यूं देखना कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा साथी जोड़ने हैं। और जब सही साथी जुड़ेगा, मेहनत करने वाला, समय देने वाला साथी जब इस पार्टी के साथ जुड़ेगा, वो अपने साथ पांच आदमी और लेके आएगा। उस आदमी का जब रसूख अच्छा होगा काम में तो उसके साथ दस आदमी और जुड़ने का काम करेंगे। और जब आप ऐसे साथियों को पार्टी में जोड़ोगे, जब आप ऐसे मेंबर बनाओगे पार्टी के अंदर, तो आप मान करके चलो हर हल्के में आपके पास कम से कम 4,000 तो वर्कर मौजूद खड़े तैयार मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अब की बार इस मेंबरशिप फॉर्म को आप इस मन से ना लेना कि हमें कि भाई ये तो फॉर्म भरने हैं, ज्यादा से ज्यादा साथी लेके आए। चाहे आपसे 100 आदमी जुड़े, चाहे आपसे 200 आदमी जुड़े, आपने अपने साथी जोड़ने और ऐसे साथी जोड़ने हैं जो पार्टी को और मजबूती देने का काम करें। बाकी आप सभी आए, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए तय दिल से जी मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी नफी सिंह राठी जी को कि वो मंच पर आए और आगे किस प्रकार हमें काम करना है हमें दिशा निर्देश दें, और जिस प्रकार से वो हमें दिशा निर्देश देंगे हम सभी मिलकर उनके साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। सभी साथी मेरा साथ देंगे, इसके अंदर भी देंगे, दोनों हाथ दिखाकर करें। जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। जाने से पहले एक और अनुरोध है कि एक बार सभी मिलकर मेरे साथ नारा जरूर लगाए, जननायक चौधरी जयलाल, जननायक चौधरी जयलाल, इंडियन नेशनल लोकतंत्र, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आप सभी आए,